क्योंकि ITA मतलब सारे चैनल्स के अपने अलग अवार्ड शोज होते हैं. ITA इज़ फॉर everyone और हमारी पूरी इंडस्ट्री, इनफैक्ट पूरा बॉलीवुड एंड टेलीविजन इंडस्ट्री आपको यहाँ देखने मिलती है. सो इट फील्स लाइक अ बिग बिग फैमिली. हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है. यू नो, जब नॉमिनेशन होता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बिकॉज वो यू नो इट्स काइंड ऑफ अ फीलिंग कि आपको एक रिकग्नाइजेशन मिल रहा है या लोग आपने जो किया है उसे पसंद किया जा रहा है. सो अमेजिंग फीलिंग ऑफ कोर्स. सो मीट खत्म हो गया, एक्चुअली पूरा महीना भी नहीं हुआ. फिलहाल तो मैं ये सोच रही हूँ कि आफ्टर माई रोड ट्रिप मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ या मैं कहाँ जाने वाली हूँ. सो अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दूँ, अपने आप को थोड़ा रेस्ट दूँ एंड ऑल्सो वर्किंग ऑन माई सेल्फ. उसके सिवा कोई प्रोजेक्ट, बहुत सारी बातें चल रही हैं पर अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है, कुछ डन नहीं है. तो जब तक वो हो नहीं जाता तब तक मैं आपको बता नहीं. Of course, I have seen the promos, of course, और मुझे प्रोमो बहुत अच्छे लगे. एंड टू बी ऑनेस्ट, शशि सुमन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मेकर्स और वो जितने भी शोज़ बनाते हैं उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी अलग होते हैं. तो आई एम श्योर, मुझे नहीं पता शो की स्टोरी क्या है बट मुझे पूरा यकीन है कि शो बहुत अच्छा होगा. सो गुड लक टू हिम एंड आई एम श्योर इट विल बी अ नाइस शो. या नो, आई ट्राइड बट मैं खुद ही बाहर चली गई थी तो फिर मैं नहीं वॉच कर पाई एक्चुअली. नो शियरली आई लाइक मुनावर, मतलब पहले से बिकॉज आई की कौन सी हिज जो वो वीडियोज़ बनाते हैं मुझे वो काफ़ी पसंद है. तो या फॉर दैट रीजन आई लाइक. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर. तो किया